माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई नहीं है, जो 14 में आए हैं 24 में जाना है। और जुमले की बात अब नहीं होगी, अब काम की बातें होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 18 साल में जो काम किया है वो बेमिसाल है। और देखिए, यहाँ गांव गांव देहात देहात सब कहते हैं कि 18 साल बेमिसाल। अभी तो संसद भवन का उद्घाटन हुआ ना, कितने लोग थे, टीका वाले तो थे, टोपी वाले कहाँ थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक जगह हो ही नहीं सकता। कोई मौलवी आपको पूरे भारत में नहीं था जो पार्लियामेंट के उद्घाटन के वक्त आता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर निकले हैं, उस वक्त से जदयू के तमाम नेता, जदयू के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार बताते हैं। और जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जदयू नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद में लगे रहते हैं। लेकिन बिहार का एक ऐसा तबका भी है जो मुस्लिम समुदाय से आता है, जिस पर ओवैसी की पार्टी यह दावा करती है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, नेता नहीं है, नीतीश कुमार के फैन हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या प्रधानमंत्री बनाने के लायक है नीतीश कुमार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो 14 में आए हैं उनको 24 में जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 18 साल में जो काम किया है वो बेमिसाल है, उनके आगे कोई नहीं है। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, महादलित हो, सबको आप जब देखेंगे तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिट बैठते हैं। और ये ऐलान है कि जो 14 में आए हैं उनको 24 में जाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, आप कह रहे हैं कि जो 14 में आए हैं उन्हें 24 में हटा देंगे। दो चार चैनल को छोड़ दीजिए तो उसके बाद कोई भी मिसाल नहीं दिखाया है। और देखिए, यहाँ गांव गांव देहात देहात सब कहते हैं कि 18 साल बेमिसाल, 18 साल बेमिसाल। ये आपके मन की भी बातें हो सकती है, इसलिए कि अब तो मन की बातें बहुत लोग करते हैं ना, टीवी चैनल पर आके, रेडियो पर आके मन की बात। और माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अब मन नहीं, अब काम की बातें होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में पुल गिर जाता है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाते हैं, जायजा लेते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि बेमिसाल काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक जगह हो ही नहीं सकता। वो तो खोज रहे हैं, नहीं तो ईडी सीबीआई सब नीतीश कुमार जी के ये में होता, एक अन्य मार्ग में सभी लोग समा गए होते। वो सच्चा समाजवादी, कर्मठ, ईमानदार, 72 साल का वो पुराना इंजीनियर, नया वाला नहीं, पुराना इंजीनियर, उनके डिग्री को देखना हो तो उन्हें छुपा के रखे हैं। लोग तो अपनी डिग्री को भी छुपा के रख रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते। AIMIM के ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर हमारा हक है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के मुस्लिम समुदाय क्यों ना हो, और आप नीतीश कुमार के फैन बने हैं। भारत आज़ाद मुल्क है ना, इसलिए कहीं किसी पर दबाव नहीं हो सकता। आप आज़ाद हैं, आप भी कह सकते हैं कि फलाने हम पर हम हावी हैं। देखिए ना, आजकल कई समाजी लोग बना बना के नहीं घूम रहे हैं, लेकिन ओवैसी के साथ नहीं है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भारी पड़ेंगे। आप ओवैसी के साथ नहीं हैं, किसी का नाम क्यों आप लेते हैं? झूठ मूठ का आप लोग नाम लेकर प्रोजेक्ट करते हैं, क्या जरूरत है नाम लेने की? बात उसकी कीजिए जिसने तो, विकास की बात। तो मुस्लिम के हमदर्द बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत लोग हमदर्द बनते हैं। जो काम 18 साल में जो उन्होंने किया है, आप उसको तो उठाकर देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अकलियती समाज के लिए क्या किया है। ये तो सिर्फ बात करते हैं, कोई काम किया है? 75 साल आज़ादी के हो गए, आज भी मुसलमान कराह रहा है इस भारत के अंदर, कोई है बोलने वाला? सिर्फ संसद में आप बिल फाड़कर लोगों को दिखाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों का रहबर हो गए? मुसलमानों का कोई रहबर नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये वो तबका है जो अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा रखता है, इसलिए इसको कोई नहीं कह सकता। मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमान को साथ लेके चलते हैं, मुसलमान भी हमारे साथ हैं। अभी तो संसद भवन का उद्घाटन हुआ ना, कितने लोग थे, टीका वाले तो थे, टोपी वाले कहाँ थे? नमाज अदा की गई थी लेकिन वहाँ से। अरे भैया, टोपी वाले थे का, कोई मौलवी आपको पूरे भारत में नहीं था जो पार्लियामेंट के उद्घाटन के वक्त आता, बैठा होता वहाँ पे? जब देश के राष्ट्रपति को छोड़ दिए, दलित समाज को आपने छोड़ दिया, तो अब क्या बात करते हैं आप?
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई नहीं है। जो 14 में आए हैं 24 में जाना है, बस इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और जुमले की बात अब नहीं होगी, अब काम की बातें होंगी। क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर नहीं छोड़ेंगे? हाँ, बनाना है। मोदी जी कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए तो वहीं चले जाएंगे, गुजरात। क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगे? जी जरूर जरूर। अब मोदी जी कहाँ जाएंगे? जिसकी जहाँ जगह है वो अपनी अपनी जगह पकड़ ही लेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उनके ऊपर अवैसी अपना हक जताते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर हमारा अधिकार है, वहीं ये लोग जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, इनका तमाम जो दावा है, ये दावा यह बता रहा है कि ये लोग अवैसी के साथ नहीं, ये लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और ये नीतीश कुमार के फैन हैं। जदयू के कार्यकर्ता नहीं है, जदयू के नेता नहीं है, ये नीतीश कुमार के फैन हैं। उनकी काम करने की शैली को पसंद करते हैं, इसीलिए आज नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने किसी भी तरह का कोई काम बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और काम भी करेंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।